बीए पार्ट थर्ड संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 53 से 59 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगर महाविद्यालय डीडवाना। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 53वां पद्य। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समावधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अन्वय यदा ते श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा च श्रुति वी प्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित समाधव समाधि में अर्थात परमात्मा में अवाप्स्यसि प्राप्त करेगा। प्रस्तुत पद्य में कर्म योग के फल स्वरूप परमार्थ योग को प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अनुवाद हे अर्जुन, जिस समय वेद आदि शास्त्रों में प्रतिपादित अनेक विचारों को सुनने से विचलित तेरी बुद्धि परमात्म स्वरूप चिंतन में दृढ़ व स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समत्व रूप योग को प्राप्त कर सकेगा। हे अर्जुन, जिस समय वेद आदि शास्त्र में प्रतिपादित अनेक विचारों को सुनने से विचलित तेरी बुद्धि परमात्म स्वरूप चिंतन में दृढ़ व स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समत्व रूप योग को प्राप्त कर सकेगा। जिस समय विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर आत्मस्वरूप में अचल स्थिति हो जाएगी, तब तुम आत्मस्वरूप में एकता रूप योग को प्राप्त करोगे। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आत्मस्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम ही योग है। प्राणी की बुद्धि कर्म कांडात्मक श्रुति वाक्यों व पृथक पृथक सिद्धांतों के सुनने से स्थिर नहीं रहती, वह जब समाधि निष्ठ व एकाग्र हो जाती है तब समत्व रूप योग प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि विषय रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि अनेक उपदेशों का सुनना छोड़कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख, ऐसा करने से साम्य बुद्धि रूप कर्मयोग तुझे प्राप्त होगा और अधिक उपदेश की जरूरत नहीं होगी एवं कर्म करने पर भी तुझे उनका पाप नहीं लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाए उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। श्रुति श्रु तिन प्रत्यय वी प्रतिपन्ना वी प्रतिपद कत टाप श्रुत्या वी प्रतिपन्ना तृतीया तत्पुरुष समास स्थास्यति स्था लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन समाधौ समाधा की समाधि सप्तमी एक वचन। 54वां पद्य। अर्जुन कह रहा है स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अन्वय केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थित दी किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत। शब्दा समाधिस्थस्य समाधि में स्थित का भाषा क्या लक्षण है, प्रभाषेत कैसे बोलता है, किम व्रजेत कैसे चलता है, किम प्रपाशेत कैसे बोलता है, किम व्रजेत कैसे चलता है। अर्जुन ने पूछा हे कृष्ण, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण के इस प्रकार के विचार सुनकर अर्जुन के हृदय में ये इच्छा जागृत हुई कि जिसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल स्थित हो जाती है ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। अथवा समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के स्वरूप को जानने की इच्छा से श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, इस प्रकार में समाधि में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है, कैसे बैठता है तथा चलता है। स्थित प्रज्ञ का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी बुद्धि मैं पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ इस रूप में प्रतिष्ठित या स्थिर हो गई है। यह अर्जुन की जिज्ञासा चार प्रश्नों को लेकर हुई है। स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इनके उत्तर श्री कृष्ण ने इस दूसरे अध्याय की समाप्ति तक दिए हैं।
केशव या केशव शब्द का बड़ा सार्थक प्रयोग किया गया है। क अ ईश तथा व, इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः क ब्रह्मा, अ विष्णु, ईश शिव, ये तीनों जिसके व वपु अर्थात स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। ये अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन संरक्षक तथा संहार करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। स्थित प्रज्ञ से स्थिता प्रज्ञा यस्य तस्य, स्थित स्था कत प्रत्यय प्रज्ञा प्र ज्ञा क प्रभाषेत प्रभाष विदेलिंग व्रजेत व्रज विदेलिंग। पचपनवा पद्य। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथ गतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अन्वय, पार्थ यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति तदा आत्मना एव आत्मनि तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। शब्दार्थ, मनोगतान मन में रहने वाली कामान इच्छाओं को कामनाओं को प्रजाति त्याग देता है, तुष्ट संतुष्ट उच्यते कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर उसके लक्षणों पर का व्याख्यान कर रहे हैं। हे अर्जुन, जब तक कोई मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अनुवाद, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य मन में स्थित समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में अर्जुन के जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर उसके लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस समय यह पुरुष मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, अन्य सांसारिक पदार्थों से नहीं, उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इस दशा में पुरुष नितांत तृष्णारहित हो जाता है और किसी भी प्रकार के बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। यह अपनी अंतर आत्मा में अपने आप संतुष्ट रहने लगता है तथा आत्म अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई इसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति को बहुत कम व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार ये दशा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से युक्त हो जाने की दशा है और सकारात्मक रूप से ये भगवान में एकाग्रता की दशा है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यह दशा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाने की दशा है और सकारात्मक रूप से यह भगवान में एकाग्रता की दशा है। प्रजाति प्रहा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मनोगतान मनसी गतो मनोगता तान तुष्ट तुष कत प्रत्ये, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्र वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनि उच्यते। अन्वय, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वीत राग भय क्रोध मुनि स्थित धी उच्यते। शब्दार्थ, उन्द्विग मना शोभ रहित विगत स्प्रह इच्छा रहित स्थित दी स्थिर बुद्धि वाला। अर्जुन के समक्ष स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण प्रकट करते हुए श्री कृष्ण उसमें सहनशीलता, सुख दुख में अनासक्त तथा भय क्रोध आदि की भावनाओं से परे होने की बात कहते हैं। अनुवाद, जो दुख आने पर परेशान या विचलित नहीं होता, सुख आने पर जो निष्प्रिय हो जाता है, राग द्वेष भय और क्रोध से जो ऊपर उठ चुका है, ऐसे मुनि तुल्य मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति में जिसका मन शोभ रहित है, सुखों की प्राप्ति में जिसकी आसक्ति भली भांति छूट गई है तथा जिसके अनुराग भय एवं क्रोध निवृत्त अर्थात समाप्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। विशेष वास्तव में प्राणी को सुख और दुख में समान रूप से रहना चाहिए। उसका प्रेम भय क्रोध जैसी भावनाओं पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। दुख आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक रूप से तीन प्रकार के होते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना
इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति में विचलित नहीं कर सकते। सुखेशु विगत स्प्रह, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्प्रहा रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। वीतराग भय क्रोध, इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। स्थिर धी मुनि उच्यते, इससे भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है और वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। अनुद्विग्न मना न उद्विग्नम अनुद्विग्नम मन यस्य असौ नन उद्विज कत मनस प्रथमा विभक्ति वीत वी ई कत प्रति विगत स्प्र विगता स्प्रा यस्य स बहुब्री समास। सुख और दुख में जो एक समान रहता है और राग द्वेष आदि से सर्वथा दूर है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सुख और दुख में जो एक समान रहता है और राग द्वेष आदि से सर्वथा दूर है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। 57वां पद, यह सर्वत्र अन्वी स्नेह तत्त प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय, यह सर्वत्र अन्वी स्नेह तत्त शुभम अशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दात् शुभ शुभम शुभ एवं अशुभ वस्तु को अन्वी स्नेह स्नेह से रहित न अभिनंदति न प्रसन्न होता है न द्वेष्टि न द्वेष करता है। प्रस्तुत पद्य में स्थित प्रज्ञ पुरुष के साधनों को प्रस्तुत करते हुए उसकी सम अवस्था के विषय में बताया जा रहा है। अनुवाद, जो किसी भी वस्तु व्यक्ति या विषय के प्रति लगाव स्नेह नहीं रखता, शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न रहता है और न दुखी, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। उस शुभ एवं अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी जो सभी अवसरों पर स्नेह वर्जित है अर्थात न फूलता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति अपने शरीर व जीवन आदि के विषय में हर्ष एवं विषाद से रहित होता है तथा अपनी बुद्धि को स्थिर रखने में सफल होता है। 58वां पद्य, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि इव सर्वश इंद्रियानि इंद्रिय अर्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय, ज च कूर्म अंगानि इव अयम सदा सर्वश्च इंद्रियानि इंद्रिय अर्थे भय संहर्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अयम यह स्थित प्रज्ञ कूर्म कछुआ, इंद्रिय अर्थे भय इंद्रियों के विषयों से सर्वश सर्व से समर्थे संहार कर लेता है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष द्वारा अपनी प्रज्ञा को स्थिर करने में सफलता प्राप्त करने हेतु जो साधन अपनाए जाते हैं उसका विवेचन करते हुए एक कछुए का उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटाकर अपने में समेट लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। और जिस काल में यह स्थित प्रज्ञ कछुए के अंगों के समान अपनी इंद्रियों के विषयों से सब ओर से समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को विषयों से सब ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है ऐसा जानना चाहिए। और जिस काल में यह स्थित प्रज्ञ कछुए के अंगों के समान अपनी इंद्रियों को विषयों से सब ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जैसे सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़कर एकीभूत अर्थात स्थिर हो जाती हैं, उस अवस्था में व्यक्ति को अनुपनय आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़कर एकीभूत स्थिर हो जाती हैं, उस अवस्था में सब कामनाओं से रहित होने पर वह पुरुष आत्मानंद का अनुभव करने लगता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
वस्तुतः ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ यह सन्यासी संपूर्ण विषयों से अपनी समस्त इंद्रियों को खींचकर उसी प्रकार आत्म केंद्रित कर लेता है जिस प्रकार की कोई कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। दर्शन शास्त्र में कछुए द्वारा अपने अंगों को सिकोड़ लेने का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति के आने पर स्थित प्रज्ञ की विवेकजन्य बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ के लिए बाह्य संयम और आंतरिक त्याग दोनों की आवश्यकता होती है। समर्थे सम री लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य विषयों से इंद्रियों को खींचकर उन्हें सर्वथा अपने वश में कर लेता है वह स्थित प्रज्ञ है। 59वां पद्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अन्वय निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अनुवाद निराहारी अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले मनुष्य के राग को अर्थात आसक्ति को छोड़कर इंद्रियों के सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं हट जाते हैं और उसका राग भी परमात्मा के दर्शन करने के बाद हट जाता है। निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले देही न पुरुष के विनिवर्तनते छूट जाते हैं रसवर्जम रस को छोड़कर परम परमात्मा को। वस्तुतः यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग या आसक्ति का मूलोच्छेद नहीं होता है। इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि विषयों का भोग न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो छूट जाते हैं फिर भी राग नहीं छूटता, परंतु इस स्थित प्रज्ञ का तो परमात्मा से साक्षात्कार होने पर वह राग भी छूट जाता है। सचमुच में इंद्रों के विषय उस शरीरधारिणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं जो उसका आनंद लेने से दूर रहती है, किंतु उनके प्रति लालसा फिर भी बनी रहती है जो कि साक्षात आत्मदर्शन होने पर नष्ट हो जाती है। विनिवर्तन्ते विनिवृत्त लटलका निराहारस्य निर्गत आहार यस्मात् तस्य बहुव्रीहि समास। जो तामसी भोजन नहीं करता उसकी इंद्रियां विषयों में आसक्त नहीं होती और जिसकी इंद्रियां वश में है उसके विषय स्वतः दूर हट जाते हैं। पुनः एक बार निराहारी अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के राग को छोड़कर इंद्रियों के सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं हट जाते हैं और उसका राग भी परमात्मा के दर्शन करने के बाद हट जाता है। निराहारस्य इंद्रियै विषयान् अनग्रहीतुः देहिनः पुरुषस्य विषया कामादि विषया विनिवर्तन्ते निवृत्ता भवन्ति रसवर्जम आसक्ते परित्याग न भवति। अस्य स्थित प्रज्ञस्य परमं परमात्मानं दृष्ट्वा विलोक्य परमात्मना स साक्षात्कारेण रस अपि आसक्तिरपि निवर्तते निवृत्ता भवति।